दबाया जा रहा है, मेरा पैर दबाया जा रहा है, जल्दी से गोलगप्पा खिलाओ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और भगवान करे कि आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिंकू और स्वागत है आपको अपने चैनल रिंकू गांधी किचन ब्लॉग्स में। तो आज मैं नहा धो के पहन रही हूँ साड़ी, क्योंकि बहुत दिन से सूट एकदम मन नहीं कर रहा था कि अब सूट पहने, और आज मौसम भी अच्छा हुआ है, ठंड नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो साड़ी ही पहन लेते हैं। बाकी नाश्ता हो गया है सबका, और अभी बनाना है और लंच का तैयारी करना है। अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी 12 के आसपास हो रहा है हमको लग रहा है ऐसा। तो अभी चलते हैं, लंच का तैयारी कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या बनाए क्या। अब साग आया है, साग ही बनाऊंगी, और साग बनाऊंगी इसके साथ दाल चावल सब्जी, और देखती हूँ क्या बनेगा। अभी तो इतना चलती हूँ, बनाती हूँ। और यहाँ पे ये लाए हैं ताज़ा एकदम साग है, और इस साग को अभी हम बनाएंगे कि बहुत टेस्टी होता है। इसमें सिर्फ कुकर में इसको काट के और अच्छे से छोटा छोटा काट के और डाल देंगे कुकर में, नमक डाल के और सीटी लगा देंगे और थोड़ा सा हींग डाल के, तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है। और ये है धनिया पत्ता, ये खेत का तोड़ा हुआ धनिया पत्ता है, ये स्मेल बहुत अच्छा है और इसका चटनी भी बहुत अच्छा बनेगा। क्योंकि खेत का जो बाज़ार से लाते हैं उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन जो खेत वाला रहता है उसका टेस्ट भी, और मतलब बनाने में अच्छा भी लगता है। तो चलिए अब यहाँ हम करते हैं अपना तैयारी। तो दूध आया हुआ था, तो इसीलिए मैंने पहले दूध को बैठा दिया, थोड़ा सा दूध उबल जाए, इसके बाद हम आगे का तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा दाल बन चुका है, दाल को अब हम निकाल लेंगे। इसके बाद इसी कुकर में कुकर को धो के और हम साग काट के इसमें डाल देंगे, तब तक सीटी लगेगा, तो तब तक आगे का और तैयारी कर लेंगे जो बनाना है। तो इसी में मैं आलू भी डाल दी थी कि बॉयल हो गया है कि चोखा भी बना लूँगी। तो दाल को अब निकाल लेते हैं और साथ के साथ आलू भी छिल के मैश कर दूंगी, नहीं तो ये बाद में ना छोड़ देने से कड़ा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और अपना प्यारा प्यारा कमेंट करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, मेरा रूटीन, मेरा लाइफ स्टाइल सब कुछ कैसा लगता है। और मैं बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे तब, क्योंकि मोटिवेट करना आप लोग का काम है, आप लोग मोटिवेट करेंगे तो मैं अच्छा वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और मैं भी अपना 100% आप लोग को दूँगी। तो ये देखिए साग हम इस तरीके से काटेंगे इस पर, क्योंकि चाकू से साग उतना अच्छा से नहीं कट पाता है, और इस पर आराम से कट जाता है छोटा छोटा, मतलब चाकू से थोड़ा बड़ा कटता है लेकिन इस पर छोटा छोटा कट जाता है अच्छा से, इसीलिए मैं इसी पे काट लेती हूँ।
फ्रेंड्स, मेरा सारा कुछ खाना बन गया था लंच वाला। हम लोग खा पी लिए, बर्तन धो के सब। ये अभी शाम का टाइम है और शाम में मैं यहाँ बनाई हूँ पालक के पकौड़े। और अभी तो ये कॉफ़ी है, मैं इनको देने जा रही हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी बना था, इतना अच्छा बना था कि मैं क्या ही बताऊँ। और ये हो गया है मॉर्निंग का टाइम, उसके बाद मैं कुछ शूट नहीं की, तो ये अब सुबह का है, नेक्स्ट दिन का है ब्लॉग। तो अभी मैं ये बना रही हूँ गाजर का हलवा, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है, हाँ, 2 से 3 चम्मच। और गाजर घिस के मैंने पहले से ही रखा हुआ था, तो गाजर को हम इसमें डाल देंगे। और एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ी हूँ इसलिए पूरा नहीं डल पा रहा है, लग रहा है कि गिर जाएगा। अभी मोबाइल में रखूँगी, इसके बाद सारा डालूँगी और तब इसको हम अच्छे से भून लेंगे, तब जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। और जब उसका कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे दूध। तो ये दूध मेरे पास उबला हुआ रखा हुआ था, इसमें बहुत ही अच्छा सा मोटा सा मलाई है, तो दूध और मलाई हम एक साथ इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए हमारा कितना अच्छा कलर चेंज हो गया है, भून गया है थोड़ा सा, 2-3 मिनट मैंने भून लिया है। अब इसमें हम जितना सारा दूध है, मलाई है, सब इसमें हम डाल देंगे। तो और किनारे किनारे का जो भी है वो सब डाल देंगे। तो अभी थोड़ा सा दूध बचा लेते हैं और इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसके बाद और बाकी का जो बचा हुआ दूध है इसमें हम डालेंगे। और डाल के इसको ढक के हम छोड़ देंगे जब तक कि अच्छे से पक ना जाए। जब अच्छे से पक जाएगा तब हम इसमें डालेंगे चीनी, और बचा हुआ दूध भी हम इसमें डाल देते हैं, और बाकी का जो किनारे किनारे का लगा हुआ है उसको भी हम इसमें डाल के वो कर लेंगे, मिला लेंगे। इसे क्या होता है मलाई डाल देने से, आपके पास कंडेंस मिल्क है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मलाई डाल देने से ना बहुत ही जल्दी, मतलब ज़्यादा दूध नहीं डालना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा दूध डालो तो उसको जलाना पड़ता है। तो और इसीलिए मैं बनाती हूँ तो थोड़ा सा मलाई रख देती हूँ। तो अभी मेरे पास एक्स्ट्रा वाला मलाई नहीं था, लेकिन जो अभी दूध में था वही वाला डाली हूँ। फिर भी इतना अच्छा, इतना टेस्टी बना था हमारा गाजर का हलवा। तो कढ़ाई में भी मैंने इलायची डाला था और ड्राई फ्रूट डाल दिया था, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैंने बचा के रखा हुआ है यहाँ ऊपर से डालने के लिए। तो यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ और ये हमारा गाजर का हलवा हो गया है रेडी। तो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। अभी का हम नहीं जानते, हम अपने जानते हैं। दस रुपये छोड़िए गोलगप्पा खाने के लिए पैसे लो, उसके लिए मेरा पैर दबाया जा रहा है, मेरा पैर दबाया जा रहा है कि जल्दी से गोलगप्पा खिलाओ। 10 रुपए पहले अच्छे से पैर दबाओ, तब तक बंद हो जाएगा दुकान। हाँ। दुकान कहाँ से बंद हो जाएगा, इतना जल्दी बंद होता है? कोई हाथ दबा रहे, कोई पैर दबा रहा है, पैसे में बहुत ताकत है। आपको कितना चाहिए? 40। मम्मा 10 रुपए दे दो मेरे को। कभी 20 रुपया बोल रही है, कभी 10 रुपया बोल रही है, मतलब 20 रुपया।